तो हम लोग के कुछ क्वेश्चन बच गए थे। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप लोग सब लोग रेडी होंगे। अच्छे से जाइए, देख रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो भी ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड परफॉर्म टू योर एक्सपेक्टेशन, डोंट गेट बॉक डाउन। आराम से देना है, जो फैक्ट्स पता है उसको देखना है, रूल्स पता है उसको देखना है, टाइम मैनेज करना है, अच्छे से OMR को करना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर 90 या 100 नंबर बन रहा है तो यू शुड रिमेम्बर कि इट विल बी डिफिकल्ट। डोंट गो देयर इन द एग्जाम टू थिंक और टू प्रूव दैट आफ्टर आई कम आई वुड से कि अरे रूल्स तो काम ही नहीं किया इस बार, क्या काम किया नहीं किया, इट इज़ नॉट योर परव्यू। ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी निकले, इट इज़ ई मटेरियल कि आप किस तरह से उसको निकालते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल इन एनी एग्जामिनेशन। ऑल्सो क्वेश्चन को आराम से एक बार देख लेना है, उसे उसी से आपके आंसर्स निकलते हैं। हिंदी में भी पेपर को जरूर पढ़ लीजिएगा, और हम लोग देखेंगे कौन कौन से रूल्स हैं जो जनरली परफॉर्म करते हैं, उसका हम लोगों ने एक समरी बना दिया। बिफोर दैट कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जिसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और इसी में वो रूल्स के भी इंपॉर्टेंट हैं। तो टी बोर्ड का हम बता ही रहे थे कि टी बोर्ड एक स्टैटूटरी बॉडी है, इसके कारण आपका पहला आंसर तो आ ही जाएगा, तो ये दोनों गलत हो गया। और भाई अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल था कि टी बोर्ड का इन दोनों में से कौन सा एक होगा, तो बैंगलोर में क्यों होगा उसका ऑफिस जब टी का इतना सारा कल्टिवेशन नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, तो मॉस्को और दुबई में होना है ओवरसीज ऑफिस, हैज ओवरसीज, ये तो नहीं लिखा कि हेड ऑफिस, तो ये वर्ड के कारण हैज ऑफिस लिख देता अगर बैंगलोर में तो सही है, लेकिन हेड ऑफिस बैंगलोर में है, इस क्रिटिकल वर्ड के कारण ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यूएन जनरल असेंबली, देखिए यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर नॉन मेंबर को, दे ही सकता है, क्यों नहीं दे सकता ऑब्जर्वर। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, अगेन इंटर गवर्नमेंटल, ये सब यूएन जनरल असेंबली काफी सबको ले देके चलने वाला, लाइक पेरिस प्रिंसिपल। एंड परमानेंट ऑब्जर्वर इन यूएन कैन मेंटेन मिशन इन द, मेंटेन कर सकता हैज टू, ये अगर ये रहता कि नहीं एकदम करना ही करना है तो गलत हो जाता। तो ये काफी जेनरिक है, तीनों कैन है, हम लोग जानते भी है कि जेनरिक अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पोलर कोड, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था क्योंकि एक ही इसमें से क्वेश्चन था जिसमें कोड की बात हुई थी, ये था पहला, बाकी देखिए किसी में कोड वर्ड नहीं है। तो जो भी वर्ड अगर क्वेश्चन का है अगर वो मैच नहीं किया, यहाँ सब में बाकी नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब बात हो रही है, लेकिन पोलर वर्ड और पोल वर्ड कोड वर्ड, तो कोड है भाई, एक कोड ही है। पोलर कोड मतलब एक ऐसा कोड है जो कि, क्यों ऐसा होता है कि सेम वर्ड वाले सही होते हैं, क्योंकि वही तो आपको बता रहा है ना हिंट कि ये मैंने पूछा और ये इसका डेफिनेशन है, मैंने आपको बता दिया कि शिप्स के ऑपरेटिंग इन द पोलर वाटर, देखिए दोनों वर्ड मैच कर रहा है, पोलर भी और कोड भी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बहुत सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग को डिस्कस करना था, यूएन का क्रेडेंशियल कमिटी है। अब एक कमिटी है तो सबसे पहले क्या कीवर्ड है इसमें, क्रेडेंशियल कमिटी, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या सही होने का चांस है। सबसे पहले तो एक कमिटी है, तो उसको डिफाइन करने के लिए वो वर्ड आना ही चाहिए, सेटअप बाय यूएन, फिर से यूएन भी आ रहा है, ठीक है ना, इन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर द सुपरविजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कमिटी है तो ये होने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूएन में बहुत सारा हो सकता है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये इसको अभी हम लोग डाउट पे रखेंगे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इट एसेंशियल्स द क्रेडेंशियल मेंबर ऑफ ऑल यूएन मेंबर, तो ये तो सही लग रहा है, एंड पुट बिफोर द जनरल असेंबली फॉर द अप्रूवल। अब देखिए अगर 3 होगा जनरल असेंबली वाला तो सिक्योरिटी काउंसिल वाला नहीं होगा, मतलब 1 एंड 3 कैन नॉट कम टुगेदर, ठीक है, तो 1 एंड 3 वाला ऑप्शन कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब हो सकता है कि 1 एंड 2 हो, 2 एंड 3 हो, एंड 3 हो। अभी ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च ये एंड एवरी ईयर, ये जरूरी नहीं है, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको गलत किया जा सकता है, हो सकता है कि इसमें कभी और मीट करता और आपको ये दे दिया हो, तो इसका 2 भी गलत हो जाएगा। अगर 2 गलत हो गया, 1 एंड 3 हो गया, तो आंसर 3 आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, क्रेडेंशियल वर्ड भी था और दोनों में विरोधाभास था, दो ऑप्शन में 1 एंड 3 में। तो दिस कंप्लीट द इंटायर डिस्कशन पेपर ऑफ 2022 प्रीलिम्स, इन विच अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट द रूल्स आर नॉट वर्किंग, हाउ एवर इन एक्चुअल द रूल्स आर द ओनली वन विच आर नाउ वर्किंग इन यूपीएससी, एंड दे आर द वंस हु गिव यू कॉन्फिडेंस इन एग्जामिनेशन टू गो फ्रॉम 70 to 100 और 70 to 120 ऑल्सो, इफ यू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल एंड इफ यू हैव द नैक ऑफ क्लियरिंग क्वेश्चन कि किस क्वेश्चन में कैसे रूल लगाना है। नाउ विदाउट रेट्रोफिटिंग और क्रॉस फिटिंग व्हेन वी सॉल्व द पेपर वी गॉट 34 to 36 मार्क्स जस्ट बेस्ड आउट ऑफ रूल्स, आपको भी दिखाया कहाँ रूल गलत हुआ कहाँ सही हुआ। नाउ लेट अस स्टार्ट समराइजिंग देम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाप रूल्स, सो बाप स्टैंड फॉर ब्यूटिफुली और बेसिकली हम लोग ग्लास से चलते हैं, इसमें यही है स्टैंड फॉर ब्रॉडली एक्यूरेट एंड एनालिटिकली, जो परफॉर्मिंग रूल्स है उसको देखना है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जैसे फ्लो में क्वेश्चन आता है कि ए सही हो रहा है, ए सही हो रहा है, बीच का आपको नहीं पता है तो ए ही मार देना है,
अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बी और सी लगा के आना है, क्योंकि बी के चांसेस सबसे ज्यादा आजकल 35% है, सी के 20-25% है, तो बी लगा के आइए, बहुत सेफ रहते हैं आजकल। और लगातार फ्लो में ए चल रहा है तो ए ही चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। देन ब्रिटिश अपने हित में सबसे मैक्सिमम काम करता था, उसी तरह से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एसेंस समझिए, कहना क्या चाहता है कि भाई NER RER वाला है, तो उसका एसेंस समझिए कि वो किससे रिलेटेड है। FDI इन इंडिया है तो वो रेगुलेटरी ही इन नेचर होगा, वो वैसा नहीं हो सकता कि ओपन फॉर ऑल हो सकता है। देन मैच में हिस्ट्री एंड रैंडम में, अगर हिस्ट्री और रैंडम क्वेश्चन हैं जिसमें पेस्ट नहीं है, पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, देन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो तीन में से एक सही होगा या तीनों सही। मैच द फॉलोइंग या जनरल में भी 4 में 2, 5 में 3, 6 में 2 या 4, हम लोग बताए थे आपको 4 में 4 सही होने के चांसेस कम होते हैं, चांसेस घटने लगते हैं ऊपर जाके, इस टाइप से। अब जनरल स्टेटमेंट, यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे केनिया, नामीबिया, कुछ वैसा सवाल आ गया, तीन ऑप्शन है तो तीन स्टेटमेंट है, तो क्या होगा फिर 75% में अगर दो स्टेटमेंट है। ये कई बार कल बताया 1312, तो उसी का चांस ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपको उसमें निकालना किसका होगा, लेकिन चांस है उसी का होगा, सिंगल ऑप्शन या ऑल थ्री स्टेटमेंट सही वाला गलत होगा। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी में बहुत चांस होता है डी का, नाइदर वन नॉट टू का, क्योंकि उसमें क्या करता है कि कोई ऑप्शन स्वैप कर देगा, कोई आपको ये एक फैक्ट में थोड़ा सा गलती कर देगा। सो 99% नाइदर वन और टू, बाकी में नहीं होता है, लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी में होता है। देन फैक्ट ज़्यादा अगर बड़े होंगे, कल भी हम लोग बताए थे BF वाला, बड़े फैक्ट तो वो क्या होंगे, अगर फैक्चुअली फैक्ट है, फैक्ट और डेटा में अंतर है, डेटा जितना बड़ा होगा उतना सही होगा क्योंकि डेटा जस्टिफाई कर रहा है, फैक्ट जितना बड़ा होगा उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि फैक्ट और बढ़ते जा रहे हैं, लार्जेस्ट फर्स्ट बिगेस्ट लास्ट हाउएवर बट ओनली, ये सब गलत होता है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है तो कहीं छोटू सा गलती कर दिया होगा, या डेटा को जानबूझकर नॉर्थ की जगह साउथ पोल कर देगा, कुछ ऐसा गलती करेगा जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, इक्वेटर की जगह पोल कर देगा, डेफिनेशन चेंज कर दिया होगा, तो उसको देखिएगा। जनता, एलोरा, विजयनगर, RBI, महसीर, ये सब जो होता है, फ्रेश वाटर फीस, देन अंडमान, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट, ओलिव रिडली टर्टल, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अकबर, ये सब सब घूम घूम के आता है, क्रिप्स मिशन, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, जिसको दिखता नहीं है तो मार दीजिए वही, यही होता है। हिस्ट्री में एंशियंट या मीडिएवल में दो ही चीज़ होगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से होता है या इकोनॉमिक से, कल हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे, कॉइन का होगा या तो बोलेगा सूबेदार किस रैंक का था, क्या था, नहीं समझ में आ रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव या यही लगा के आना है। ऑल्सो अगर नहीं, एक और होता है कि भाई अगर टेम्पल वेम्पल पूछा है या कुछ वैसा, जैसे ओमकारेश्वर, या नहीं समझ में आ रहा, कल कुल वाला भी था जिसका आंसर सैयद है, बहुत लोगों ने सही बताया, उसको आप ब्रेक कर लीजिए, वर्ड को ब्रेक करने से भी आंसर आ जाएगा, हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बार, उससे भी आ जाता है, सिमिलर वर्डेड जो ऑप्शंस होता है उसी में से आंसर कोई एक होता है, ठीक है ना। सिमिलर जो क्वेश्चन के साथ भी सिमिलर होता है, जो कोई क्वेश्चन का एग्जैक्ट वर्ड होता है वही सही होने वाला होता है, ए वन ऑफ द, सम ऑफ देम, कैन, ये सब जनरली सही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन के लिए देखिए कि ए और बी एक साथ जाएगा या ए और सी जाएगा, सिमिलर वर्डेड ऑप्शन है एकदम सेम, जैसे सेल्वेशन डिवोशन वाला था, सेल्वेशन मेडिटेशन, तो सेल्वेशन सेल्वेशन सेम आ रहा था तो उसी में से सही होगा। एक्जॉटिक ऑप्शन के लिए मत जाइए, उसी के लिए जाइए, कल हम लोग ये भी देखे थे पैथोजेंस वाले में कि पैथोजेन या एलर्जिक वाले में क्या होगा, कि भाई पैथोजेन के लिए जाइए, है कि नहीं। इफ वन इज देयर टू कैनॉट हैपन, थिंक ये एक साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बता ही दिया आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ दिस जनरली सही होता है, उसमें देखिए फिर कोई फैक्ट तो गलत नहीं किया, उसमें ऐसे मत सोचिए कि 4 में 2 सही होगा, साइंस एंड टेक में बेस्ट में ये काम नहीं करता है, उसमें काम करता है कि कोई बड़ा फैक्ट दे दिया वो गलत हो सकता है भले ही, लेकिन ऑल ऑफ दिस। पॉलिटी का एक बार पढ़ लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा चीज़ डिफाइन नहीं किया है, पार्लियामेंट को काफ़ी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है, अपना रिव्यू भी करता है, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं, केशवानंद भारती केस, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, DPSP, क्या हम लोग दूसरे से लिए, डेमोक्रेसी का क्या डिफिनेशन है, कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, थ्री टीयर गवर्नेंस, एंटी डिफिकेशन, ये सब बहुत सारा सवाल हर साल आता है ना। इकोनॉमी से जैसे डेफिनेशन बहुत सारा आता है, स्वैप कर देगा कि इसका ऑप्शन ये है, या सेम भी दे देगा तो सी भी होता है बहुत सारा, कि दोनों का सही सही दे दिया, लुक फॉरवर्ड, स्टेडली इंक्रीज, डिक्रीज, ये सब कभी नहीं करता है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, इम्पैक्टफुल वर्ड को देखिए, GVA, रियल सेक्टर, GDP, OMO, RBI, वर्ल्ड बैंक, IMF, बाई सेल, सिक्योरिटीज, मनी वेलोसिटी, टी बिल्स, कूपॉन्स, बॉन्ड, इक्विटी, ग्रीन फाइनेंसिंग, रिपोर्ट, सबके व्यू, IMF का, ये सब, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, इंपोर्ट ओरिएंटेशन है कि नहीं है, उसका पहले फैक्चुअली सोचिए कि क्या है, ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ गया अगर आपका तो डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करेगा, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन या इम्पोर्ट, बजट, MPC, देन CCA, लेबर कोड, ब्यूरो, ये सब देखिए ठीक से, ठीक है ना, यही सब घूम फिर के आता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आता है रिसेंटली इन द न्यूज़, तो न्यूज़ में रहा ही होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, एक्जॉटिक ऑप्शन नहीं देखना है, और न्यूज़ में है तो इंडिया में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे साउथ चाइना सी है, तो वैसा चीज़ जो इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो या न्यूज़ में, तो इंडियन न्यूज़ में होगा, जैसे ट्रांसफर्स वाले में देखे थे इनडायरेक्ट, बाहर के न्यूज़ में नहीं होगा,
तो इसको आप देखिए तो आपको सिमिलरली समझ में आ जाएगा कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। जस्ट यू हैव टू डू